सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें, सभी जो अभी अभी 12th पास किए हैं उनके दिमाग में एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा जोरों शोरों से चल रहा है, सर बीएससी का पेपर कितने नंबर का होता है, कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने करने पड़ते हैं, बीएससी में कितनी किताबें हमको पढ़नी पड़ती हैं, बीएससी कितना हार्ड है, कितना ईजी है, क्या बीएससी को हिंदी में कर सकते हैं या बीएससी को इंग्लिश में ही करना अनिवार्य है, बीएससी में मतलब कितने प्रैक्टिकल होते हैं, कितने नंबर का होता है, क्या है बीएससी, बहुत खौफनाक सब्जेक्ट है। तो ये सारी जानकारी मैंने एक ही वीडियो में बना दिया, ये पीछे दिखाई दे रहा है ना बोर्ड लाल पीला नीला हो रखा है, तो ये पूरा हमने करा है। इसके बारे में आपको जानकारी चाहिए तो नीचे लिंक में लगा दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से जाकर देख लीजिए। बीएससी से रिलेटेड सारे डाउट मैंने क्लियर कर दिए हैं, पूरा सारा कुछ सिस्टम बता दिया, सेमेस्टर वाइज सिस्टम क्या है, सर्टिफिकेट कब मिलेगा, डिप्लोमा कब मिलेगा, डिग्री कब मिलेगी, कितने पेपर देने पड़ेंगे, क्या करना पड़ेगा, पेपर कितने नंबर का रहता है, पूरा एनालाइज करके बताया है एक ही वीडियो में। तो बीएससी से रिगार्डिंग सारे क्वेश्चंस, सारा सिलेबस भी मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस किया है, किताबों के बारे में भी लिख दिया है कौन सी किताब पढ़नी पड़ेगी, कितने नंबर का आता है, तो ये सब जानने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो जाकर चेकआउट करो, देखो और वीडियो को सभी तक शेयर कर दीजिए। और जो स्टूडेंट्स बीएससी करने का इच्छुक हैं तो उनके लिए मैं बता दूं, कल से आपका नया बैच स्टार्ट हो रहा है, तो कल से आपको फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस मिल जाएंगी, और जो फर्स्ट सेमेस्टर पास करके सेकंड सेमेस्टर में आ गए हैं तो उनके लिए सेकंड सेमेस्टर की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी कल से, और 12th वालों के लिए फिजिक्स की और मैथ आपका चल ही रहा है। और बाकी आज की वीडियो को इतना ही हम विराम देते हैं, और पूरा वीडियो देखने के लिए लिंक दे रखी है, वहां से जाकर चेकआउट करो। जय।